नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अरविंद केजरीवाल ने अपनी नौटंकी करनी फिर से शुरू कर दी है। जी हाँ, वो बीच में कुछ शांत हुए थे पंजाब चुनाव और गोवा का चुनाव हारने के बाद, लेकिन अब उन्होंने अपनी नौटंकी करनी फिर से चालू कर दी है, फिर से मोदी मोदी का जाप रटना शुरू कर दिया है, फिर से ये कहना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, फिर से एलजी के ऊपर आरोप लगाना चालू हो गया है और अब वो धरने पर पड़े हैं। जी हाँ, अब तक वो धरने पर बैठे हुए होते थे, अब वो धरने पर लेटे हुए हैं। वो एलजी ऑफिस में हैं, एलजी ऑफिस में वेटिंग रूम में वो एलजी का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा वो खुद कह रहे हैं कि मैं एलजी का इंतज़ार कर रहा हूँ और उनके सोफे पर पड़ा हुआ हूँ, उनके सोफे पर रात गुजार रहा हूँ, उनके सोफे पर ही बैठ रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है उसी सोफे पर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ऐसा खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो विधानसभा में जाते ही नहीं हैं, 2017 में वो केवल 10%, उनकी अटेंडेंस 10% से भी कम है विधानसभा के अंदर, और दिल्ली हाई कोर्ट शायद इस बार उनको कह दे कि इनकी सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि ये विधानसभा में पहुंचते ही नहीं हैं। और ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है कि मिनिमम इतने प्रतिशत अटेंडेंस एक आदमी की होनी चाहिए, एक एमएलए की होनी चाहिए विधानसभा में, तभी उसको सैलरी मिलेगी। और अरविंद केजरीवाल की जो अटेंडेंस है वो 10% से भी कम है। वहीं दूसरी ओर अगर कपिल मिश्रा की माने तो कपिल मिश्रा कहते हैं कि वो अपने ऑफिस में भी नहीं जाते, वो अपने ऑफिस में भी नहीं मिलते। और दूसरी बात अगर कही जाए तो ये फैक्ट्स के आधार पर हम बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने 40 महीनों से क्वेश्चन आंसर सेशन को अटेंड ही नहीं किया है। जी हाँ, उनकी सरकार आए हुए अभी 40 महीने हुए हैं और उन 40 महीनों में अरविंद केजरीवाल ने एक भी क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि विधानसभा में जिसको जीरो आवर बोला जाता है, वो अटेंड नहीं किया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत से, कितनी लगन से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। उनके चुनावी जो जुमले थे उनके बारे में तो बात ही ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि उस जुमलों में कमांडो, विमेन कमांडो, वाईफाई, उसमें सीसीटीवी कैमरा और पता नहीं किस तरीके के प्रपंच रचे गए थे, किस तरीके से लुभावने ऑफर्स दिए गए थे दिल्ली की जनता को, पानी मुफ्त हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या प्रपंच रचे गए थे उस वक्त। और आज उनमें से कितने ही उनके चुनावी मुद्दे, उनके चुनावी जुमले पूरे हुए हैं वो आप सभी को भली भांति पता है। आज अरविंद केजरीवाल जब धरने पर बैठे हुए हैं तो अरविंद केजरीवाल को ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि दिल्ली की जनता किस प्रकार से त्रस्त है। वो एलजी ऑफिस में तो पड़े हुए हैं, उस वेटिंग रूम में तो पड़े हुए हैं, लेकिन वो बाहर निकलकर जनता की सेवा करने के लिए अपने ऑफिस में या फिर विधानसभा में नहीं जा रहे। अरविंद केजरीवाल की जो मांग है एलजी से वो ये है कि वो पूर्ण राज्य दिल्ली को दिया जाए, उसके लिए जो फाइल है उस पर साइन किया जाए, सेंटर उसे पास करे। तो ये बेसिक मांग है अरविंद केजरीवाल की, जिसके लिए वो धरना कर रहे हैं। अब आप हमें ये बताइए कि आज के समय में, इस पर्टिकुलर टाइम में, अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली है वो त्रस्त है पानी से, वहाँ पर पानी के लिए त्राही त्राही हो रही है, वो त्रस्त है बिजली से, वहाँ पर बिजली के लिए त्राही त्राही हो रही है। जिस दिल्ली में एक मिनट भी, अरविंद केजरीवाल से पहले एक मिनट भी लाइट नहीं जाया करती थी, आज उस दिल्ली में 8-8 घंटे के कट भी लगाए जा रहे हैं। द्वारका सेक्टर में, द्वारका एरिया में लाइट जो है वो बेहद बड़े बड़े कट वहाँ पे लग रहे हैं और लोग, जनता इस भरी गर्मी में इन्वर्टर चलाने के लिए मजबूर है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को धरना करना चाहिए या फिर लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के लिए पानी मुहैया कराना चाहिए, लोगों के लिए बिजली मुहैया करानी चाहिए, डिस्क्रिशन आपका है। आप खुद भली भांति सोच सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल को यह भी समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें, ये सारी जो आपूर्तियां हैं, ये सारी जो संकट हैं जिससे दिल्ली इस वक्त गुजर रही है,
वो सभी संकटों से लोगों को निजात दी जा सकती है दिल्ली को बिना पूर्ण राज्य के दर्जे को दिए हुए भी। तो पहले इन संकटों से पार पा लें और उसके बाद पैरेलली ही आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अपना आंदोलन जारी रखें। आपको वहां पर बैठकर धरना करने की इतनी बड़ी क्या आवश्यकता है, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है, जबकि लोग इतने त्रस्त हैं दिल्ली के अंदर। वहीं दूसरी ओर कपिल मिश्रा ने एक बेहद संजीदा और बेहद सेंसिटिव सा गाना बनाया है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, तो चलते चलते हम कपिल मिश्रा के उस गाने के साथ आपको छोड़ चलते हैं, क्योंकि वो गाना एक्सपोज कर देता है अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से। सोफे पे पड़ा हुआ है केजरीवाल, देख लो, पानी की कमी से दिल्ली को बेहाल, देख लो। सोफे पे पड़ा हुआ है केजरीवाल, देख लो, पानी के लिए क्या हमको पूर्ण राज्य चाहिए। जी नहीं बस नेक नियत चाहिए। ना बिजली है ना है सड़क ना अस्पताल, देख लो। सोफे पे पड़ा हुआ है केजरीवाल, देख लो। सीबीआई ने जब से इनकी फाइलें उठाई हैं, केजरीवाल को तभी से नींद नहीं आई है। न जाते हैं असेंबली न करते कोई काम है, मोदी 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 जपते सुबह शाम है। घोटाला करती हाड़ में साढ़ू का लाल, देख लो। घोटाला करती हाड़ में साढ़ू का लाल, देख लो। सोफे पे पड़ा हुआ है केजरीवाल, देख लो। गेस्ट टीचर से जो बोला झूठ वो भी खुल गया, लोकपाल और स्वराज गुप्ता जी में घुल गया। डीटीसी के कर्मियों की पीठ पे वार, देख लो। डीटीसी के कर्मियों की पीठ पे वार, देख लो। प्रॉफिट वाले जल बोर्ड का घाटे में हाल, देख लो। सोफे पे पड़ा हुआ है केजरीवाल, देख लो। क्या दिल्ली में पानी की समस्या को दूर करने के लिए पूर्ण राज्य होना आवश्यक है? जी नहीं। क्या बिजली के लिए पूर्ण राज्य होना आवश्यक है? जी नहीं। सड़क के लिए? नहीं। अस्पतालों के लिए? नहीं। क्या प्रदूषण कम करने के लिए पूर्ण राज्य बनाना जरूरी है? नहीं। डेंगू से स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए पूर्ण राज्य बनाना जरूरी है? नहीं। अरे काम जैसी दिल्ली देश की राजधानी है वैसे ही स्थिति में पूरे किए जा सकते हैं।